कई लोग फुल टाइम काम है जी, ब्लेम करना और किसी को नहीं, सबसे पहले माँ बाप से शुरू करते हैं। इन्होंने मैंने किया क्या है? अब इनको कोई बताए तुझे पैदा किया, मरने नहीं दिया, काम है भाई। आप देखिए, कोई भी माता पिता अपनी तरफ से तो कमी नहीं करता, यस नो? अपनी तरफ से जो कर पाया उन्होंने कर दिया, अब चू चू क्या कर रहा है? टीचर ठीक नहीं मिले, अच्छा तेरे लिए चांद से मंगवाने टीचर, सबने उसी से पढ़ा है, तेरी बारी में क्यों करा दे टीचर? वो आपको याद है ना, मैंने पिछले बताया था, कुछ लोग पैदाइशी परेशान होते हैं, पीपी कैटेगरी के पैदाइशी परेशान, उनके साथ बचपन से गलत हो रहा है। आप में से जो घर में सबसे बड़ा नहीं है, थोड़ा याद करो अपने बचपन के दिन, जो नंबर सबसे बड़ा नहीं होता वो क्या सोचता है, बचपन से गलत हो रहा है। क्योंकि जब ये बच्चे छोटे होते हैं, इनके नए नए कपड़े बड़े काम आते हैं, जो नंबर 2-3 पे है, माँ बाप उनको समझा देते हैं, बेटे ये देखिए जैकेट बिल्कुल सही है, कहीं से फटी नहीं है, छोटा वाला कहता नहीं टांग देती जो उससे नहीं ठगी ना वो फटी वो यहाँ टांग देती तो कई बार ना कुछ लोगों को लगता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, कोई जानबूझ के माता पिता नहीं करते, साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है, पर कई लोग ना इसको दिल से लगा लेते कि मेरे साथ तो वो बचपन से गलत हो रहा है, माँ बाप भी प्यार नहीं करते थे, टीचर भी ना सिर्फ मुझे ही उठा के पीटती थी और किसी से सवाल नहीं पूछती थी, बस मेरे से। अच्छा, किसी तरह धक्के खा खू के बड़ा हुआ, एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया, अब वो इतनी अच्छी कंपनी थी उसने रखा ही नहीं, अच्छा जिस कंपनी ने रख लिया ये कंपनी अच्छी नहीं, अच्छा जो हमें अच्छी लगती थी शादी करने के लिए उसे हम नहीं अच्छे लगे, जिससे हो गई वो हमें नहीं अच्छी लगती। इंटेलिजेंट बच्चे कहीं और पैदा हो रहे, हमारे यहां छांट छांट के हो रहे नलायक। तो कईयों की ना सुई अटकी हुई कि मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, वेर एज गलत कुछ हो नहीं रहा, ये बचपन से ना ब्लेम कर रहे हैं, ये बचपन से इधर उधर उंगली कर रहे हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, एंड दे आर नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम सेल्फ।